काम क्या करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री काम मतलब आप घर बनाते हैं? बनाते हैं। अच्छा, तो दूसरों के लिए आप घर बनाते हैं और खुद को रहने के लिए आपने वो जो सरकारी आवास योजना है उसमें अर्जी दिया ना? दिया था, वो सुनाई नहीं करता है मामला। नहीं करता? अच्छा, घुस मांगते हैं। क्या आपको लगता है देश में विकास हो रहा है? मालूम नहीं हमको कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे देखो, हमारा देश तभी विकसित होगा जब ये जो आम लोग हैं उनकी जरूरतें सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पूरी करें। बैठे वाह सर जी, वाह मैडम जी, अब मेरा भी डेवलपमेंट। चलिए। ख्वाबों पे पैबंद लगे, काली रातों के साए में तेरी नींद भी अब अधूरी होगी, रंग भरेंगे जब आसमान में तभी सुबह सिंदूरी होगी। सर क्योंकि बुंदेलखंड में अभी ना तो खेती बाड़ी ना पानी, काम धंधा नहीं, तो इसलिए दिल्ली में रहना पड़ता है। अच्छा। आप पिछली बार गांव कब गए थे? पिछली बार मैं 2 साल पहले गया था गांव। अगर वहां पर काम बढ़ गया तो मैं भी अपने गांव अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी आपको वहाँ काम मिल जाएगा और आप वहाँ रहने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ओके राम, थैंक यू। ओके ओके। Ask sharp questions, Divya. Only then you will get some better and real answers. गीत दिलों में दफन हुए जो उसकी भी भरपाई होगी, दर्द किताबों में करना है माँ बहने जो गाई होंगी। ओ खामोशी में दबी है तुझको वो आवाज सुनाई होगी, पीढ़ी पानी बनके तेरी पलकों बीच समाई होगी। आप ये टॉयलेट साफ सफाई का काम क्यों करते हैं? बाबूजी हमारे घर के लोग दादा पर दादा पहले से यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपने एक होटल शुरू किया था सरकारी लोन की मदद से, लेकिन वो आपको बंद करना पड़ा, क्यों? बाबूजी क्या करें, हमारे हाथ का खाना बना है कोई खाता नहीं है, क्या करें बाबूजी। काली रातों के साए में होटल बंद करने की वजह कोई और होगी, शायद इन लोगों ने गवर्नमेंट फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैडम जी सही बोल रहे हैं आप, ये लोग ना गवर्नमेंट का पैसा खाता है, पता है ना मुझे। ऐसी बात नहीं है, अपनी जिंदगी में सुधार कौन नहीं चाहता, जब तक हम सब लोग उनको अपना नहीं मानेंगे ना तब तक कुछ नहीं सुधारने वाला। सर जी ये लड़की बीमार लग रही। रंग भरेंगे जब आसमान में तभी सुबह सिंदूरी होगी।